अब आते हैं इस पे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी वो डिलीवरी है जो गवर्नमेंट लोगों को दे रही है। वो कोई भी सर्विस हो सकती है। पासपोर्ट बनवाना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा पासपोर्ट के लिए। पहले होता था कि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके अप्लाई करना है, आप पहली जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फाइल करोगे, कंपलसरी हो गया। टिकट बुक करवानी है आपको रेलवेज की, पहले जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, सुबह सुबह उठ के जाते थे, लाइनों में लगते थे, टिकट बुक कराते थे, अब फोन से हो जाती है। ठीक है, पहले बिजली के बिल भरने जाना पड़ता था, पानी के बिल भरने जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन हो जाता। इसके अलावा और भी कुछ कुछ सर्विस डिलीवरीज हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में या एजुकेशन में, या गवर्नमेंट अनाज ही देती है आपको, 5 किलो फ्री, वीट, राइस और कोर्स गेन्स मिलते हैं आपको पर मंथ अकॉर्डिंग टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो पहले क्या था इसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, ये 2013 में ये एक्ट बना था, करीब करीब 10 करोड़ ऐसे घोस्ट बेनिफिशरीज थे। घोस्ट बेनिफिशरीज मतलब जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट ऑन पेपर वो है और उनके नाम पे अनाज जा रहा है या उनके नाम पे सब्सिडीज जा रही है। और वो कहाँ जा रही है, बाबूजी, नेताजीज, क्लर्क्स, इन सब की जेबों में जा रही है। फिर आया आधार। आधार क्या है, यूनिक आइडेंटिटी दी आधार ने। बायोमेट्रिक से आपकी आइडेंटिटी लेते थे, आयरिस स्कैन किया, फिंगरप्रिंट स्कैन किया, पता लग गया हाँ भाई बंदा एग्जिस्ट करता है या ये ह्यूमन एग्जिस्ट करता है इंडिया में। और आधार से फिर लिंक करने लग गए और चीजों को, बैंक अकाउंट को लिंक करा, पैन कार्ड को लिंक करा, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी पता लगने लग गई गवर्नमेंट को। और फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से गवर्नमेंट ये डिसाइड करने लग गई कि भाई इस बंदे को सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी है तो डायरेक्ट इसके बैंक अकाउंट में दे दो जो कि आधार से लिंक है। अब वो फिर जैसे मर्जी ये करे, मतलब जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है तो उसमें क्या है कि सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे आपको वो मिलता है। अब कई कई स्टेट्स में ऐसा है कि सब्सिडीज आपके अकाउंट में आ जानी डायरेक्ट, कई कई स्टेट्स में आपको सेंटर्स पे जाना पड़ रहा है, वहां पे 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो अनाज, कोर्स ग्रेन्स ये मिलते हैं। बट ऑल इन ऑल सब्सिडीज काफी सारी स्कीम्स के लिए आपके सीधा बैंक अकाउंट में आने लग गई। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए। हमने वैक्सीन लगवाई, उसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल था या नहीं था, है ना? कोविन ऐप पे पहले बुक करो, फिर जाओ वहां पे सेंटर में लगवाओ, और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन। पब्लिक सर्विस डिलीवरी करी उन्होंने गवर्नमेंट ने, तो हम ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इमेंस है इंडिया में, है ना? एक्चुअली पिछले कुछ सालों में ये बड़ा है, 2013-14 के बाद ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ई गवर्नेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट किया है। आज की डेट में गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो डिजिटलाइज नहीं हो रखा, जहां पे आपको डिजिटली सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में है, क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट जो 2015 में लॉन्च किया, और स्टेट्स को भी बोला कि आप हर एक डिपार्टमेंट को अपने डिजिटलाइज करो। काफी सारे स्टेट्स ने कर भी दिया है और बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा है कि मेजर मेजोरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स दे हैव डिजिटलाइज्ड। सबको ये चीज रियलाइज हुई कि डिजिटलाइज करने से या अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से हमारा बर्डन कम होगा, हाँ करप्शन भी कम होगा, क्योंकि डिजिटलाइज करने से या टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से बेनिफिशरीज को आइडेंटिफिकेशन हम बेटर तरीके से कर पाएंगे, उन तक चीजें पूरी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एक
स्टैटिस्टिक ऐसा था कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए अगर सब्सिडी रिलीज करती थी तो 10 रुपए से कम पहुंचता था एंड बेनिफिशरी के पास, जब ये डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर नहीं थे, जब बैंक अकाउंट में सब्सिडी नहीं जा रही थी। इतना ज्यादा लीकेज था, मोर देन 90% ऑफ द अमाउंट गॉट लीक्ड। तो गवर्नमेंट का काम आसान हुआ है, लोगों का भी काम आसान हुआ है, पॉवर्टी रिडक्शन पे बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट आया है, क्योंकि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है कि सिर्फ 15% लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर रह गए इंडिया में, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को। और इंडिया के जो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको इसको क्या हम कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज डिमांड कर रही हैं आज की डेट में। इस बार G20 समिट हुआ दिल्ली में, तो G20 समिट में एक स्पेशल सेशन ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग सम डेवलप्ड कंट्रीज वो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रही, दे आर स्ट्रगलिंग। और कितनी बड़ी कंट्रीज हैं वो, छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, उतने लोग तो हमारे वेस्ट दिल्ली में ही होंगे, ऐसी ऐसी कंट्रीज है ना। तो इट इज लाइक दिस, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो कह रही इंडिया ने इतने लार्ज स्केल पे कैसे कर दिया। तो इंडिया ये टेक्नोलॉजी अब दूसरों के साथ भी शेयर करना चाह रहा है, ऐसे करने से इंडिया का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बढ़ेगा उन कंट्रीज पे, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सीएजी ऑफ इंडिया जो है गिरीश चंद्र मुर्मू एम्फसाइज द नीड फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजंस। सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजंस ऑब्वियसली बाय द गवर्नमेंट। द क्वेश्चन इज aren't वी डूइंग इट, कर तो रहे हम, बट और ज्यादा बढ़ाना है उसको, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। ई गवर्नेंस के थ्रू हम कर रहे हैं, बट उसके और ज्यादा बढ़ाकर। ई गवर्नेंस ऑल्सो नोन एज डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग अ वाइड एरे ऑफ सर्विसेज विद इन गवर्नमेंटल एंटिटीज एंड बिटवीन दीज एंटिटीज एंड द जनरल पब्लिक। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी एनहांसेस कन्वीनियंस एंड सेविंग्स फॉर द सिटीजंस, बूस्ट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एफिशिएंसी। अब पहले मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए बंदा एक को डिप्लॉय करते थे, वो पूरा दिन वहीं रहता था, उसका पूरा काम ही यही होता था कि भाई बिल कलेक्ट करो। लोग भी परेशान होते थे, आधा दिन तो निकल जाता था कि भाई बिजली का बिल जमा करने गए, ठीक है। तो इट वॉज लाइक दिस, अब दोनों के लिए ही कन्वीनियंस हो गया है, सिटीजन्स के लिए भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी। इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉड्स एंड लीकेजेस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे घोस्ट बेनिफिशरीज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो ऑन पेपर तो एग्जिस्ट करते हैं बट एक्चुअल में वो है नहीं, उनके नाम पे सब्सिडीज वगैरह ये सब कुछ रिलीज हो रही है। एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसेस करप्शन अमंग द गवर्नमेंट एंड फैसिलिटेट्स इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिजाइन। मतलब कि आप और भी पॉलिसीज बना सकते हो अगर आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग आप पॉलिसीज बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन हमें लॉन्च करनी थी, तो हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था ना, हर एक बंदे की यूनिक आइडेंटिटी थी, हमने कोविन को उससे लिंक कर दिया आधार से, इजी इंप्लीमेंटेशन हो गया इस। तो इट वाज लाइक दिस। अब यहां पे कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे बेसिकली जो इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया, जैसे कि हेल्थ केयर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है जो कि आपका सारे हेल्थ सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं। एक और आया है यहां पे थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, दैट इज आभा, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, सुना है क्या है इसका फुल फॉर्म, पता नहीं है, याद नहीं है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में क्या होगा कि आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्सरेज, कोई भी रिपोर्ट है आपकी, सब उसमें डिजिटली स्टोर कर सकते हो आप।
अपार आईडी हो गया जैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही अगर आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, ठीक है, तो सब आप इसमें स्टोर कर सकते हो। आप कहीं भी जाओ, आभा को आप वहां पे आभा नंबर दे दो या आप अपने फोन में दिखा दो कि ये मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो वो हेल्थ केयर में डिजिटलाइजेशन का है। पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों, गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन्स का यूज करना शुरू करा और 20 या 25 दिन के अंदर अंदर 75 लाख रुपए का चलान उन्होंने देख, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उनको पता ही नहीं लग रहा था पहले कि भाई कोई ओवर स्पीडिंग कहां कर रहा है कहां नहीं कर रहा। कैमरा तो लिमिटेड जगह इंस्टॉल्ड है, पर ड्रोन तो उड़ते रहेंगे कहीं पे भी। मैं तो 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा, अब 50 लिमिट है। यू टेक्नोलॉजी में 40 को अगर 50 पकड़ लिया उसने, यू नेवर नो। तो इट इज लाइक दिस। फाइनेंशियल इनोवेशन, जैसे कि इंडिया स्टैक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है यार एपीआई? कोई है टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से? है होगा भी तो कहेगा कि मैं तो नहीं हूं सर। अच्छा, आप लोग जोमैटो यूज करते हो या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब यूज करते हो, ठीक है। अब वहां पे जब पेमेंट की बारी आती है, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है पेमेंट करना, है ना, तो वहां पे उसका लिंक हो रखा होता है वेरियस पेमेंट ऐप्स से, गूगल पे या पेटीएम, उनके सिंबल्स बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली उस ऐप पे ले जाएंगे, ऐसा होता है ना। दैट इज एपीआई, दैट ब्रिज विच कनेक्ट्स टू प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये हमने डेवलप किए हुए, ठीक है, यूपीआई हमने डेवलप किया हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए। फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स, दीक्षा, अ नेशनल लेवल एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड लेवरेजिंग अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और यहीं पे हम वो ऐड कर देते हैं, वेरी गुड, फिर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना बहुत जरूरी हो गया है, उसके लिए ये स्वामित्व योजना है, ठीक है, गवर्नमेंट की, इसमें गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रही है, ठीक है। इससे बहुत फायदा होगा गवर्नमेंट को, पता लग जाएगा कि लैंड रेवेन्यू कितना आना है कितना नहीं आना, या फिर लैंड को अगर हमें रीअलोकेट करना है किसी एक बंदे के नाम पे, ज्यादा जमीन तो नहीं है, तो गवर्नमेंट उस पर सीलिंग लगा के उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, इस टाइप से चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रोन्स वगैरह यूज कर रहे हैं हम उसको मैप करने के लिए। डिजास्टर रिलीफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिलीफ फोर्स यूटिलाइज ड्रोन्स इन देयर ऑपरेशंस, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये रैट होल माइनर्स को निकालने में बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने उत्तराखंड में, है ना। तो कल आज ही मैं देख रहा था कि उनको 50,000 रुपए का कुछ इनाम दे रहे थे कि तुम जिंदा बच के आ गए इतने दिन में, उन्होंने लेने से मना कर दिया, कह रहे 50,000 रुपए में क्या हो रहा है आजकल। इट इज लाइक दिस। एग्रीकल्चरल यूजेज, ई नैम बना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है ई नैम? डायरेक्ट मतलब पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, पता लगने के बाद क्या वो बेच पाएंगे कहीं पे भी? दैट इज मेन बेनिफिट ऑफ ईनाम। पहले क्या होता था, एपीएमसी करके एक एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग से शायद कॉर्पोरेशन है जो भी है, वो एपीएमसी मंडीज होती हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि फार्मर एक एरिया का है तो वो उस एरिया की मंडी में ही अपना क्रॉप बेच सकता। अब उस एरिया की मंडी में क्रॉप का रेट उसको मान लो 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो उसको 100 रुपए किलो ही लेना पड़ेगा। बगल वाली मंडी का रेट मिल रहा है 120 रुपए किलो, तो वो जा नहीं सकता वहां सेल करने। बट जब से ये ई नैम आया है
तो ई नाम में क्या है कि कहीं का भी फार्मर कहीं भी बेच सकता, उसको एक दिस ई नाम प्लेटफॉर्म पे आइडिया लग जाएगा कि कहां पे किस फसल का कितना रेट मिल रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना वो फार्मर को ही बेयर करना है। मतलब अगर मान लो कोई 1,000 किलोमीटर दूर हमें 20 रुपए किलो ज्यादा दे रहा है, तो वो डिपेंड करेगा उसके पास फसल कितनी है, वहां पे बेचना फायदेमंद है या नहीं है, और बेचने के लिए गया पता लगे वहां पे बिका नहीं, वापस भी लाना पड़ेगा उसको फिर, ठीक है, तो वो अगेन डबल हो जाएगा उसके लिए। तो इस टाइप के कुछ ड्रॉबैक्स हैं नाम। फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, कुछ कुछ लॉज पास हुए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ड्रोन रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आधार एक्ट 2016, ये सब पास हुए हैं टू इंश्योर सेफ्टी इन द डिजिटल फ्रेमवर्क्स। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, आईटी एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है, जो कि कोई भी ऑफेंस अगर होता है ऑनलाइन, ठीक है, वो ऑफेंस आईटी एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, आप मान लो किसी ने ऑनलाइन आपको फ्रॉड कर दिया आपके साथ, तो उस बंदे के ऊपर आईटी एक्ट के तहत केस होएगा। ये एक ही लॉ है ऐसा हमारी कंट्री में जो सारे ऑफेंसेस हैपनिंग इन द डिजिटल डोमेन उसको कवर करता है। ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्ट्रैटेजी पेपर्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस हैं। ये सब बेसिकली पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं। ये पॉलिसीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये है कि ये बनती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। चैलेंजेस क्या हैं? हम कह तो रहे हैं डिजिटल सर्विस डिलीवरी या टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें इन सर्विस डिलीवरी, बट इसमें चैलेंजेस हैं। जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, बट चैलेंजेस लाइक डिजिटल लिटरेसी गैप, लोगों को पता नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो भाई वो सर्विसेज ले नहीं पाएंगे। मार्क करने में प्रॉब्लम आता है, कई सारे स्टेट्स में से ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, फिर कई लोगों के पास, अब मान लो जैसे कोई गांव में रह रहा है उसको पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है, तो भाई वो ऑनलाइन, उसको डिजिटल लिटरेसी तो है नहीं, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेगा? अब वहां पर ये है कि पहला स्टेप ही हो गया, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप, तो वो जाएगा किसी साइबर कैफे में अगर उसको पता होगा तो, फिर वहां से होएगा, पैसे लेगा वो, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो कई सारी पब्लिक सर्विसेज डिनाई भी हो जाती हैं ये चीज ना होने की वजह से। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, सब कुछ हम डिजिटलाइज तो करते जा रहे हैं, बट जो डिजिटलाइजेशन है इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। इसके बहुत फायदे, नो डाउट अपार फायदे हैं इसके, बट इसके नुकसान भी हैं। नुकसान है साइबर सिक्योरिटी मतलब इनएडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कई जगह जैसे ये स्मार्टफोन्स वाला एग्जांपल्स, यहाँ पे और ज्यादा एप्ट बैठेगा क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं, डिवाइसेज ही नहीं है। ठीक है, या चलो डिवाइसेज अगर हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम है। इंटरऑपरेबिलिटी लिमिटेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी लिमिटेशंस मींस मान लो कोई एक ऐसी सर्विस डिलीवरी है जिसमें मोर देन वन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है या मोर देन वन आई वुड से गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, एक एजेंसी का प्रोसीजर ये है दूसरी का ये है, आपस में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, या सेंटर और स्टेट ही है ना आपस में नहीं है इंटरऑपरेबिलिटी, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, सर्विस डिलीवरी थोड़ा सा लैग कर जाएगी वहां पे। रेगुलेटरी वैक्यूम इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, रेगुलेटरी वैक्यूम मतलब यहाँ पे रेगुलेशंस कम है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चीजें हो सकती है, जैसे कि फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। प्राइवेसी एंड डेटा गवर्नेंस, प्राइवेसी भी एक इशू है कि आप सब कुछ अपना डिजिटलाइज करोगे तो अगर मान लो वो टैम्पर कर दिया किसी ने तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज एंड अडॉप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी 100% अडॉप्ट नहीं किया, कहीं कहीं जगह लिमिटेशंस हैं, तो वो